फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 10, इसमें गिवन है कि ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री है, सम ऑफ टू साइड्स पी आर प्लस क्यू आर 25 है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें अगर आप देखें डायग्राम में, तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर और सम ऑफ टू साइड जो 25 सेंटीमीटर है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो क्यू आर है वो x सेंटीमीटर है, तो पी आर प्लस क्यू आर 25, तो हमने लिखा पी आर प्लस एक्स इक्वल्स टू 25। यहाँ से हमने पी आर फाइंड कर लिया, जो हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस एक्स, और ये जो क्यू आर है वो एक्स हो गया। हमें फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो सबसे पहले तो हम ये एक्स फाइंड करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमारे पास तीनों साइड जो हैं वो पता होंगी। तो इस साइड्स को, एक्स को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर जो है वो परपेंडिकुलर स्क्वेयर और बेस स्क्वेयर के सम के बराबर होता है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर हो गया पी आर स्क्वेयर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर। अब हमारे पास ये पी आर है 25 माइनस एक्स, क्यू आर हमारे पास है एक्स और पी क्यू जो 5 है। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी, तो हमारे पास आइडेंटिटी बनी है ए माइनस बी होल स्क्वेयर, जो होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी। 25 का स्क्वेयर हो गया 625, एक्स का स्क्वेयर हो गया एक्स स्क्वेयर और 2ab बन गया 50x इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 25। एक्स स्क्वेयर के साथ एक्स स्क्वेयर कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा माइनस 50x इक्वल्स टू 625, राइट साइड में चला गया, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 600 हो जाएगा। तो x हमारे पास आ गया 12। अगर x हमारे पास 12 है तो ये 12 हो गया, और 25 में से 12 तो ये 13 हो जाएगा। मीन्स हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 है और जो परपेंडिकुलर है वो 12 सेंटीमीटर और बेस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। अब हमें फाइंड करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस टेन कॉस और साइन कॉस और टेन। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा ट्रिक होता है कि हम लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना में एस मीन्स फॉर साइन, तो साइन की जो रेशो बनेगी वो बनेगी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस की जो रेशो बनेगी वो बनेगी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेन की जो बनेगी वो बनेगी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास है 12 और हाइपोटेन्यूज है 13, बेस हमारे पास है 5, हाइपोटेन्यूज है 13, परपेंडिकुलर ओवर बेस ये बन गया हमारे पास 12, परपेंडिकुलर 12 है और बेस हमारे पास 5 है। तो ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आ गई इसके हेल्प से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे साइड्स फाइंड किए हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड कर लिए साइन कॉस और टेन एंगल पी के लिए, जो पी हमने यहाँ पे लिया था। थैंक यू।